सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। पंजाब की माण सरकार नूं 5 महीने पूरे हुए। पंजाब की कैबिनेट के 5 मंत्रियों के वलों आपो अपने विभागों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखा गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मौके दावा किया कि उन्हां दी सरकार दे वलों पंजाब दे सिर चढ़िया कर्जा हुण लाया जाण लग पिया है। उन्होंने दस्या कि सरकार ने 5 महीनों दे विच किन्ना कर्जा मोड़िया अते किन्ना लिया, अते ए अंकड़े पेश करके हरपाल चीमा ने दावा किया कि 1610 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब दी माण सरकार दे वलों ला दिता गया, जिहड़ा कि पंजाब दे सिर पूरा कर्जा चढ़िया होया है। हरपाल सिंह चीमा दे इस दावे नूं लैके हुण पंजाब दे विच सियासत वी होण लग पई है। किवें सियासत हो रही है तुहानूं उस दे बारे वी दस्सांगे, पर सब तो पहला तुहानूं हरपाल सिंह चीमा दा इह बयान सुना दिंदे आ जिस दे विच उन्होंने इह दावा किया कि माण सरकार दे वल्लों कर्जा लाया जाण लग पिया है। कुल 12,339 करोड़ 12,339 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा कर्जा ते प्रिंसिपल अमाउंट ते इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो पंजाब सरकार ने इन्हां 5 महीनों दे विच वापस किया गया, जिहड़ा कि सरकारां ने लिया होया सीगा। इसे तरह जिहड़ा डेट असी रेज किया, जिहड़ा असी कर्जा लिया वापस असी किया, 12,339 करोड़ रुपया कर्जा लिया सी, 10,729 करोड़ रुपया, यानी कि कर्जे नालों जिन्ना कर्जा लिया उहदे नाल वध असी इन्हां 5 महीनों दे विच रीपे करता, वापस करता। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा दे वल्लों ये दावा किया गया। आम आदमी पार्टी ने अपनी पिठ थापड़ी कि साड़ी सरकार दे वल्लों बिल्कुल उल्ट काम किया जाण लग पिया है। पहलियां सरकारां लगातार कर्जा चढ़ाउंदियां सन अते असीं आउंदियां सार ही कर्जा लाउणा भी शुरू कर दिता है, पर विरोधी पार्टियां दे वल्लों हरपाल चीमा दे दावे ते सवाल चुके जाण लग पए ने। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा दा दावा है कि हरपाल सिंह चीमा ने यह गुमराह कुन अंकड़े पेश किए ने, वो किवें? दलजीत चीमा का बयान भी तुहानू सुनाउणा बहुत जरूरी है। पंजाब दे वित्त मंत्री साहब ने ते 4 मंत्री साहबान ने पंजाब सरकार की माड़ी कारगुजारी ते पर्दा पाउण वास्ते गुमराह कुन अंकड़े पेश किए। ये वित्त मंत्री साहब तुहाडा 2022-23 का बजट डाकूमेंट है जिहड़ा तुसीं विधानसभा दे विच पढ़िया सी। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 15,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਾ ਕੇ 12,339 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। दूजे पासे 10,739 करोड़ का नवा कर्जा लिया, तो एक पासे कहिंदे साडी GST जिहड़ी है 24% वध गई, तो साडा एक्साइज 43% वध गया, फिर कर्जा भी तुसीं इन्ना लै लिया तो जिहड़ा मोड़ना सी उस तो घट मोड़िया, तो पैसा जा कित्थे रहा, फजूल खर्ची कित्थे हो रही है, वह कहानी दसो ना असली जो पंजाब की जनता नूं चाहीदी। इस तरह डाटा फज करके तुसीं लोकां नूं गुमराह। इस तरीके नाल दलजीत सिंह चीमा तां इह दावा कर रहे ने कि सरकार ने कर्जा तां की मोड़ना है, जिन्ना व्याज अते मूल मोड़ना हुंदा है उन्ना भी नहीं मोड़िया गया। दरअसल अकाली दल दे वल्लों इह दावा किया जा रहा है कि अपने बजट दे भाषण दे विच दावा किया सी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कि 36,000 करोड़ दे करीब 1 साल दे विच पैसा मोड़ना हुंदा है, जिसका अध 6 महीनों के बन गया 18,000 करोड़। इसका मतलब है कि 5 महीनों के 15,000 करोड़ रुपए के करीब कर्जा अते मूल मोड़ना सी, व्याज अते मूल मोड़ना सी। हरपाल सिंह चीमा दावा कर रहे हैं कि 12,339 करोड़ टोटल इस सरकार दे वल्लों मोड़िया गया है। इसका मतलब है कि इन्होंने तो जिन्ना मोड़ना सी 15,000 करोड़ रुपए के करीब वह भी नहीं मोड़िया, ये सरकार के सिर चढ़िया कर्जा।
पंजाब दे सर चढ़िया कर्जा किवें ला देणगे, जाण बुझ के इन्हां दे वल्लों झूठ बोलिया जा रहा है। सिरे दा झूठ इत्थे करार दे दित्ता गया है विरोधी पार्टियां दे वल्लों। उधर दूजे पासे गल जेकर नैशनल लैवल ते राष्ट्रीय पद्धर ते आम आदमी पार्टी दी कीती जावे तां उन्हां दे वल्लों वी पंजाब नूं लै के अजिहा प्रचार कीता जा रहा है जो कि जमीनी पद्धर ते लागू नहीं हो सकिया। झूठा प्रचार आम आदमी पार्टी दे वल्लों राष्ट्रीय पद्धर ते कीता जा रहा है। आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा नैशनल ट्विटर अकाउंट है उसके उपर पंजाब नूं लै के कुछ दावे किए गए ने। कुछ कम्मां बारे दस्या गया है कि पंजाब दे विच ए गरंटियां असी पूरियां कर दित्तियां ने। इत्थे पंज कम दसे ने कि चार महीनों के पंज कम आपदी सरकार दे वल्लों पंजाब दे विच कर दिते गए। 600 यूनिट दो महीने बिजली फ्री ये कर दिती है। आम आदमी पार्टी ने सचमुच ही 1 जुलाई तो यह स्कीम शुरू हो चुकी है। दूजा दावा किया गया कि शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि असी दे रहे हैं। यह भी पंजाब दे विच लागू हो चुका है। मान सरकार दे वल्लों 1 करोड़ रुपया दिता जाण लगा है जदों भी कोई शहीद हो जाता है। पर जिहड़ा अगला दावा किया गया है कि 26,000 तो ज़्यादा सरकारी पदों पर बहाली हो गई है, भाव 26,000 तो ज़्यादा सरकारी नौकरियां पंजाब दे विच मिल गई ने। ये झूठ है, नहीं मिलियां। पंजाब दे विच 26,454 नौकरियां देण दा ऐलान किया गया सी पर वो अजे तक दित्तियां नहीं गईयां। उसकी प्रक्रिया अजे तक चल रही है। इत्थे दावा किया गया है कि बहाली हो चुकी है अहुदियां ते, 26,000 तो वध सरकारी अहुदियां ते बहाली भी हो चुकी है। ये बिल्कुल गलत दावा आम आदमी पार्टी के वल्लों किया गया। अगला दावा भी इत्थे वेख्या जा सकता है कि 35,000 कच्चे कामे पक्के कर दिते गए ने, नहीं किए गए। पंजाब दे विच एक भी कच्चा काम अजे तक मान सरकार दे वल्लों पक्का नहीं किया गया। बिल्कुल गलत दावा आम आदमी पार्टी दे वल्लों राष्ट्रीय पद्धर ते किया जा रहा है। 100 महला क्लिनिकां दी शुरुआत कर दिती है। हाँ, वो जमीनी पद्धर ते पंजाब दे विच शुरू 100 महला क्लिनिक शुरू हो चुके ने। यह दावा आम आदमी पार्टी दे वल्लों सही किया गया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार नूं लै के चर्चा चल पई है कि राष्ट्रीय पद्धर ते आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों को कही जाती है कि पंजाब दे विच क्रांति आ चुकी है, पंजाब दे विच बदलाव आ चुका है। अते जदों पंजाब दे लीडरां तो पुछया जांदा है तां उन्हां दे वल्लों लगातार समय की मंग की जाती है कि सानू समां दिओ। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान तो लगातार पंजाब सरकार बारे सवाल पुछे गए तां उन्होंने भी समय की मंग की। उन्हां दा बयान भी तुहानू सुना दिंदे आ। देखो, पुरानी सरकार का की सिस्टम सी ये तुसीं सारे जानदे हो, मैनू दसण दी ते लोड़ नहीं। हाथ च उन्हां दे बहुत कुछ सीगा ते 75 साल पिछले 5 साल कांग्रेस नूं लोगों ने दोबारा दिते, पर उन्होंने इन्ना क ज़्यादा हथ खड़े किए तो कम नहीं किया कि अज जिहड़ा पंजाब दे विच हालात ने वो साढ़े सामने ने। तो सारा कुछ वो करांगे जी, जिन्नियां सड़कां दी लोड़ है आम आदमी पार्टी सड़कां नूं जिहड़े असी सारे प्रपोजल बना के भेज दिते आ। मान साहब की भी ये चीज़ पूरी मीटिंग्स दे विच कही जा रही है कि सड़कां नूं होर जिहड़ी चढ़ाई वधाई जावे ते प्रॉपर जिहड़ियां हाईवे रोड्स ने कढ़ियां जाण, सारा कुछ करांगे। बस मैं पंजाब नूं ये कहनी हां भी साथ दिओ, टाइम देना पैना। नीत तुहाडे बच्चे आ, तुहाडे घरां च उठ के ही विधानसभा दे विच जाके तुसीं कैबिनेट च बिठाया काम करांगे, पर टाइम दिओ। जे फिर भी रिजल्ट नहीं निकलता तो तुहाडा जो हुक्म होगा सिर मत्थे। इस तरीके नाल राष्ट्रीय पद्धर ते आम आदमी पार्टी कुछ होर कहिंदी है अते पंजाब पद्धर दी आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच समय दी मंग करदी दिखाई दिंदी है। अजे कई सवाल आम आदमी पार्टी ते उठदे ही रहिंदे ने, पर हुण जो दावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा दे वल्लों कीता गया कि असी 1610 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब दे सरों ला दिता है, उसनू लैके भी सवाल खड़े हो गए ने। सवाल यह भी उठ पिया है कि आखिर सच्चा कौन है। विरोधी पार्टियां कह रही ने कि गुमराह कुन अंकड़े ने, अते वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वेखो कितना वधिया काम साडी सरकार दे वल्लों कीता जा रहा है। 5 महीनों की कारगुजारी लैके भी सरकार अते विरोधी धिर आमो सामने हुंदियां नजर आ रही ने। इत्थे एक सवाल असी तुहाडे कोल भी पुछ लेना चाहते हैं कि तुहानू की लगता कि सचमुच ही मान सरकार ने पंजाब दे सिर चढ़िया कर्जा लाउणा शुरू कर दिता है कि जां फिर विरोधी पार्टियां जिवें कह रही ने कि गुमराह कुन अंकड़े ही पेश किए जा रहे होणगे। तुहानू की लगता है? जो भी तुहानू लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही हर खबर को निरपक्षता नाल वेखते रहना चाहते हो तो यूट्यूब द पंजाब टीवी के चैनल में सबसक्राइब कर लो, फेसबुक पर पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसीं देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर का सच।